वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आए हुए हैं कोला बीच में, जो साउथ गोवा में पड़ता है। इसे कोला बीच लगून भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक साइड सी और एक साइड लगून है। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे आने का रास्ता, जो पूरा ऑफ रोड से है, मुश्किल भी है लेकिन साथ ही साथ मजेदार भी। तो फिर देख किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये पूरा ऑफ रोड है और यहाँ पे इतनी ज्यादा मिट्टी होती है कि गाड़ियों के चक्के जो है वो बिल्कुल धस जाते हैं अंदर तक के। तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे से टेस्ट होती है। इनफैक्ट कई जगह पे तो लोग अपनी गाड़ियां बीच में इस तरीके से लगा देते हैं और पैदल जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, रोड है ही नहीं, पूरा ऑफ रोड है। तो अगर आपसे कोई बोले कि गोवा में ऑफ रोडिंग ट्रैक्स नहीं है, तो उन्हें ये वीडियो दिखा दीजिएगा। गाइज, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हमारी इस मेहनत को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मिलता है एनकरेजमेंट और आपको मिलेगा हमारे चैनल पे एक से बढ़कर एक मल्टी टॉपिक कॉन्टेंट। फाइनली हम पहुंच गए हमारी मंजिल पे। गाइज, ऑफ रोडिंग तो आपने देखी ली, उसके बाद में यहीं पे आके आपको अपनी कार्स और बाइक्स जो है वो भी पार करनी पड़ती है और यहाँ से फिर आपको जाना होता है नीचे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नीचे। गाइस, आपको बता दूं यहाँ पे अच्छी खासी स्टेयर्स हैं, तो अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है या किसी को कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है या कोई कंडीशन है, तो इट्स बेटर है कि आप बोट हायर कर लें, जो आपको अगोंडा बीच से या फिर पैलेलम बीच से मिल जाएंगी, जो आपको डायरेक्ट सीधा कोला बीच पे ले आए। वैसे तो ये जगह बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी इसकी गूगल मैप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे और यहां से हमें जाना है लगून में। उसके लिए आपको क्रॉसिंग करते हुए जाना होगा पानी से। गाइज, जब आप वाटर क्रॉसिंग करते रहेंगे तो मेक श्योर यहां पर थोड़ा संभल के रहें, वरना ये ऐसा होता है। ये देखिए, कोला बीच साउथ गोवा में इकलौता एक ऐसा बीच है जहाँ एक तरफ है समुंदर और दूसरी तरफ है बैक वाटर विद लगून। आप चाहें तो बैक वाटर में कयाकी वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे कयाकी और लाइफ जैकेट आपको मिल जाएगा। गाइस, कयाकी की जो प्राइजेस वो लोग बोल रहे थे, जो सिंगल सीटर है उसका 100 रुपीज और जो डबल सीटर है उसका 200 रुपीज। बैकवाटर के दोनों साइड आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, शैक्स मिल जाएंगे और बहुत ही क्यूट क्यूट हट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप एकोमोडेशन ले सकते हैं। गाइस, इस बीच पे आपको कोई भी वाटर एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ जो पीछे ये लगून है यहाँ पे आप कयाकी कर सकते हैं, लाइफ जैकेट वगैरह मिल सकते हैं जैसे कि ज्योति ने पहले बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो अगर आपको सिर्फ एंजॉय करना है, चिल मारना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे आपको सी भी मिल रही है, लगून भी मिल रहा है और साथ ही साथ में रहने के लिए और खाने के लिए चीज़ें भी मिल रही हैं। गाइस, वैसे तो यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का, लेकिन जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मॉर्निंग में आते तो थोड़ा भीड़ कम रहती है, प्लस आपको धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी जैसे अभी है। तो आप आना चाहेंगे तो मॉर्निंग में आइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पानी में आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो कोई टेंशन नहीं है, आप काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पैर है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो आप यहाँ पे भी आके आगे इन्जॉय कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक से बढ़कर एक पिक्स ले सकते हैं, हमने भी ली है, तो उसके लिए आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको सैर कराते हैं यहाँ के बैक वाटर की, जो है यहाँ का लगून।
जब यहाँ पे आएंगे तो आपको दो अलग अलग टाइप के कलर दिखेंगे। आई थिंक एक जो है शायद वो मिट्टी की वजह से या फिर जो वो रॉक है उसकी वजह से, क्योंकि कलर उसका कुछ वैसे दिख रहा है। दूसरा जो है वो तो सी का कलर है, तो ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता है। गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह के लिए भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पे आके खेल सकते हैं। फ्रेंड्स यूजुअली बीचेस में तो बहुत पुअर कनेक्शन रहता है मोबाइल का, बट यहाँ पे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इस फोन के भरोसे मत आना, कोई भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप गूगल मैप पहले से डाउनलोड कर लेना या ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप कोला बीच में रहने का सोच रहे हैं तो इसके आसपास आप काबोटीरामा फोर्ट और काबोटीरामा बीच कवर अप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अगोंडा बीच भी देख सकते हैं। बाकी हमने तो यहाँ कुछ ऐसा देखा नहीं है आसपास, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बैक वाटर की सैर तो आपने कर ली, अब जरा इस खूबसूरत जगह को ऊपर से भी निहाल लीजिए और देखिए इसके एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में क्या क्या है। तो एंजॉय कीजिए इस जगह के एरियल शॉट्स को। यहाँ पे आपको बहुत सारे मरीन स्टोन्स मिल जाएंगे, सी स्टोन्स मिल जाएंगे, इनफैक्ट कुछ एक तो ऐसे हैं जो शायद काजू के ही शेप में दिखते हैं। ये बॉटल जैसा दिख रहा है मगर ये पत्थर है। तो अगर आप भी उन लोगों में से जिसे सी स्टोन और मरीन स्टोन्स कलेक्ट करना पसंद है तो आप इस तरीके के स्टोन्स कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा साउथ गोवा फूड ब्लॉग, जिसमें हम आपको देने वाले हैं साउथ गोवा का बेहतरीन फूड टूर। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको हमारा गोवा सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स डालते रहते, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।